कल भी बीबी जिंदा थी, आज भी बीबी जिंदा है। कल भी बीबी जिंदा थी, आज भी बीबी जिंदा है। कल भी बीबी जिंदा थी, आज भी बीबी जिंदा है। कल भी बीबी जिंदा थी, आज भी बीबी जिंदा है। नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद। नारायण भुट्टो जिए भुट्टो। नारायण भुट्टो जिए भुट्टो। आज भी बीबी जिंदा थी, आज भी बीबी जिंदा है। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूं बहावलपुर सिटी में। पूरे पाकिस्तान की तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन हैं, उनकी आज सालगिरह मनाई जा रही है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस्लामी ममालिक की पहली खातून वजीर आजम जो कि दो बार जो है पाकिस्तान की वजीर आजम रह चुकी है, उन्हीं की आज बर्थडे मनाई जा रही है। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के अहदेदारान मौजूद हैं जो बहावलपुर में, इनसे जानते हैं कि आज जो केक काटा गया और आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोहतरमा की 67वीं सालगिरह है और मोहतरमा के हवाले से मैं ये कहूँगा कि इस्लामी ममालिक को ये फ़ख्र होना चाहिए कि मोहतरमा जो थी हमारी लीडर थी और उन्होंने जो अपने अहदे हुकूमत में हमारे लिए काम किए हैं, गरीबों के लिए काम किए हैं, वो आज तक गरीब लोग याद कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा जो काम है वो बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम का है कि 77 लाख लोगों को जो है उन्होंने रोज़गार दिया घर बैठ के। और मैं समझता हूँ ये आज की जो हुकूमत है ये उन्हीं के नाम को कैश करा के एहसास प्रोग्राम चला रही है और इन्होंने जो ये नाम काटा है हम इसकी भी मजम्मत करते हैं। आज हमारे पास जितने भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं मैं इनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से आप देखें हालात पूरे मुल्क में बड़े अजीब ही हैं, लेकिन उसके बावजूद जेलों में इतना जोश है कि वो आज भी जमा हैं और आज भी जो है वो बेनज़ीर का नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल बेनज़ीर का नारा लगा रहे हैं। हमारे साथ और भी यहाँ पे अहदेदारान मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? जनाब काबले कदर आसफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहजादी बख्तावर बीबी, आसफा बीबी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जालो जालियों कारकुनों सबको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहावलपुर की तरफ से और पीपल्स पार्टी मनाटी ग्रुप बहावलपुर की तरफ से बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह जो वो बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बेनज़ीर एक अजीम और बुलंद पाया लीडर थी और उन्होंने पाकिस्तान को ना सिर्फ मजबूत किया बल्कि उन्होंने अकलियतों के लिए भी बेपनाह खिदमात अंजाम दी, उनको मैं सुरख सलाम पेश करता हूँ। जी बिल्कुल, यहाँ पर जाले बिल्कुल पुरजोश हैं। हमारे साथ तबिंदा जबी साहिबा मौजूद हैं, ये भी खातून हैं और जैसा कि वज़ीर आज़म का विजन था और उनको कैसे ये आगे लेके चल रही हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगी मैम? जी बिल्कुल, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 67वीं सालगिरह आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरीट बहावलपुर में मनाई जा रही है। हम लोग बहुत लिमिटेड लोग आज इकट्ठे हुए। बीबी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना सिर्फ वो नेशनली, उन्होंने उनकी एक रिकग्निशन है, वो पहली वज़ीर आज़म थी इस्लामिक मालिक की, बल्कि बीबी ने ग्लोबली एक वुमेन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की जो जड़ें रखी, आज मेरे ख्याल में तमाम खवातीन जो कि सियासत में हिस्सा ले रही हैं उसमें सारा का सारा कंट्रीब्यूशन बीबी का है। इसके अलावा बीबी ने इस खित्ते के हालात को मद्देनज़र रखते हुए पीस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से रिलेटेड जिस कदर लिखा और उसके बारे में पूरी दुनिया को जो आगाही दी वो कभी भूली नहीं जा सकती। बीबी बजाते खुद एक इंस्टीट्यूशन थी, बीबी एक अजीम माँ थी, बीबी एक अजीम बेटी थी, बीबी एक अजीम सियासतदान थी और बीबी एक अजीम लीडर थी। शुक्रिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद अहदेदारान का कहना था कि बीबी के जो ख्वाब थे वो हम पूरे करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर पहली खातून वज़ीर आज़म दो दफ़ा जो रह चुकी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को खुशहाल बनाने की कोशिश की। इसी तरह हम भी उनके शाना बशाना यहाँ पर चलते रहेंगे, उनका जो विजन था उसको इंशाल्लाह पूरा करेंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।